लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वैसे देखा जाए तो भारतीय इतिहास को सबसे पुराना माना जाता है और भारत में आज भी अनेकों रहस्य सामने आते हैं। ऐसा ही हम आपको भारत के कुछ राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर आज भी अनेक रहस्य भरे हैं, जिनके बारे में जानकार आपको भी हैरानी होगी। कुलधारा। कुलधारा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले से करीब 30 किमी दूर पर बसा है। इस गांव के बारे में जाना जाए तो यह गांव बेहद वीरान और भूतहा माना जाता है। यह लगभग 200 वर्षों पहले यानी 1800 के बाद से खाली हो गया है। इस गांव के खाली होने कारण यह है कि शक्तिशाली राजाओं और मंत्रियों के युग में यहां पर एक कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। यह गांव बेहद ही सुंदर था। यहां पर जैसलमेर के तत्कालीन दीवान सलीम सिंह दुर्व्यवहार और अनैतिक कर संग्रहण के लिए जाने जाता थे। ऐसे में एक बार उसकी नजरें गांव की एक खूबसूरत लड़की पड़ गईं। इसी के चलने उन्होंने ऐलान किया कि यदि वह लड़की उसे नहीं मिली तो वह पूरे गांव पर कर बढ़ा देगा। ऐसे में गांव के लोग डर गए और लोग को छोड़कर चले गए। माना जाता है कि आज भी यहां गांव वालों की आत्माएं बसती हैं। इसके आसपास का रेगिस्तान वाला इलाका और जंगल पर्यटकों को बहुत पसंद है। ओरछा, मध्य प्रदेश। आपको बता दें कि यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके का मशहूर स्थान माना जाता है। इसकी खासियत है कि यहाँ जितना खूबसूरत है उतना ही ज्यादा रहस्यों से भरा है। कहा जाता है कि यहाँ नदी के रेतीले तट पर 16वीं और 17वीं सदी में बुंदेला राजपूत साम्राज्य की सीट थी। यह लैंडस्केप शुरू से ही लोगों के लिए बल्कि उनके घर जैसा रहा है। यहाँ पर बना अद्भुत ओरछा महल और कई प्राचीन मंदिर पर्यटकों को अपने आप अपनी ओर खींच लेते हैं। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय व्यंजन भी लोगों को एक बार यहाँ का स्वाद चखने को मजबूर कर देते हैं। इतना ही नहीं, यह स्थान अपने अंदर इतिहास के कई रहस्य समेटे हैं। पतद्दकल, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध चालुक्य वंश की राजधानी बादामी से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर पतद्दकल जगह है। पतद्दकल में ही बादामी चालुक्य राजाओं को ताज पहनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच यहाँ कई ऋषियाल मंदिर बनवाए थे। यह जगह भी लोक कथाओं से भरी है। यहाँ आज भी चालुक्य साम्राज्य के शानदार 200 वर्ष की अवधि को देखा जा सकता है और चालुक्य वंश की राजधानी बादामी का अंदाज काफी शाही था। यहाँ पर बनी गुफाएं, झील, लाल पत्थरों की खूबसूरती, रॉक कट में बने खूबसूरत मंदिर यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं।